समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने निकाय चुनाव में बड़ी जीत का दावा किया है। एबीपी गंगा से खास बातचीत में शिवपाल यादव ने दावा किया कि यूपी में कानून व्यवस्था खराब है। उन्होंने इस दौरान सपा और रालोद में सब ठीक बताया और जातीय जनगणना की मांग की है। निकाय चुनाव में जीत का दावा यहां पर किया गया है सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव की तरफ से। निकाय चुनाव में सपा को बड़ी जीत मिलेगी, शिवपाल यादव ये कहते हुए नजर आए। एबीपी गंगा से खास बातचीत उन्होंने की है और इस दौरान कहा कि निकाय चुनाव में सपा की जीत जरूर होगी, शिवपाल यादव ये कहते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। तो मैं और अखिलेश दोनों मिलकर चुनाव प्रचार करने वाले हैं, शिवपाल यादव ने कहा और कहा है कि सब कुछ ठीक चल रखा है। जब उनसे पूछा गया सपा के अंदर जिस तरीके से अभी नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी, तो उसको लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि सपा में रालोद में सब कुछ ठीक है और जातीय जनगणना की मांग को भी इस दौरान शिवपाल यादव ने दोहराया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव आज हमारे साथ हैं। मैं इनसे जानता हूं जिस तरह से निकाय चुनाव समाजवादी पार्टी ने पूरी तैयारी की हुई है, किस तरह से चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी आगे तैयारी करने जा रही है, क्योंकि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव चुनाव प्रचार में अभी एक साथ दिखाई देंगे। देखिए निकाय चुनाव अब डिक्लेयर हो रहे हैं, प्रत्याशी भी डिक्लेयर होने वाले हैं, तो हम दोनों लोग मिल करके इस चुनाव में प्रचार करेंगे और अपने जितने भी प्रत्याशी हैं वो जीते हैं। और ये हम सब अपने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील भी करेंगे, जनता से भी अपील करेंगे कि समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं उन्हें जिताएं। जिस तरह से पार्टी में असंतोष है, कुछ जो कार्यकर्ता हैं आपके जो टिकट के दावेदार थे उनको टिकट नहीं मिल पाया, जो आपके भी अपने थे वो नहीं टिकट पा पाए हैं, तो उस पर क्या मतलब पार्टी किस तरह से देखती है, चूँकि अब जो लोग नहीं पा पाए? नहीं देखिए, सबको टिकट मिला है, जितने भी जीतने वाले प्रत्याशी थे तो उनको सबको टिकट मिला है और हम सब लोग संतुष्ट हैं। अब बस केवल यही करना है कि जितने को भी टिकट मिला है वो सब जीते, ये हम लोग मिल करके। चर्चा ये भी थी कि शिवपाल जी के कुछ जो करीबी हैं वो इस बार टिकट नहीं पा पाए हैं, इससे शिवपाल यादव नाराज हैं। नहीं, हम पूरी तरह से जितने भी प्रत्याशियों को टिकट मिला है संतुष्ट हैं और हम लोगों का मिल करके सभी जितने भी लोगों प्रत्याशियों को टिकट मिला है उनको सबको जिताएंगे। अच्छा, चुनाव प्रचार में जब आप और अखिलेश यादव जी एक साथ होंगे तो किस तरह की तैयारियां आप लोगों ने की है, कहां कहां कैसे क्या रूट मैप बनाया गया? अब वो तो पार्टी बनाएगी रूट। अच्छा। और जहाँ जहाँ पार्टी भेजेगी हम जाएंगे। अच्छा, वहाँ वहाँ जाएंगे। एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से अतीक का जो घटना हुई हत्या वाली, उस पर किस तरह से एक पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? देखिए, इंटेलिजेंस की पूरी तरह से फेलियर है और पुलिस की पूरी तरह से विफलता। अगर पुलिस की कस्टडी में इस तरीके से हत्याएं होने लगेंगी तो फिर अदालतों का क्या काम, कानून व्यवस्था फिर कहाँ बचा है जी। तो पूरी तरह से ये सरकार की विफलता थी। अच्छा, इस चुनाव को, निकाय चुनाव को एक तरह से सेमीफाइनल भी माना जा रहा है, 2024 का चुनाव सामने है। सभी पार्टियाँ ये चाहती हैं कि समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे, तो उसको लेकर आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हमारा संगठन इसमें काम करेगा और पूरी तरह से हम अपील करेंगे कि सब लोग मिल करके समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं उन्हें सब जिताएं। जाति जनगणना को लेकर आवाज़ पूरे देश से उठ रही है, राहुल गांधी ने भी उठाई, समाजवादी पार्टी किस तरह से इस जाति जनगणना को देखती है? देखिए, राहुल गांधी जी ने भी आवाज़ उठाई कि हम दिल्ली में जातीय गणना कराएंगे और भारतीय जनता पार्टी के जाएं, सही बात कही है हमारे। और उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में देखिए केवल अखिलेश ही जनगणना कराने का काम करेंगे जी। जी, पहले तो हम लोग भी आपकी मुँह से ही सुन चुके हैं, आप लोग इस चीज़ को बड़े संजीदगी से उठाते थे जाति जनगणना, तो क्या एक ऐसी पहल होगी समाजवादी पार्टी की आपकी अखिलेश यादव के नेतृत्व में, किस तरह से पहल रहने वाली? देखिए, हम समाजवादी पार्टी की पूरी तरह से पहल होगी
और ये भी निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में जातीय गणना अखिलेश ही करा पाएंगे। 2024 के चुनाव से पहले ही एक बड़ा बयान सतपाल मलिक का भी आया, उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमला बोला है, किस तरह से आप देखते हैं और इसको पार्टी किस तरह से देखती है? देखिए, सतपाल मलिक बड़े लीडर रहे हैं, लंबे समय तक उन्होंने लोकदल में काम किया है, नेताजी के बहुत नज़दीक भी रहे हैं। अब वो वहाँ के गवर्नर थे और वहाँ की जो भी स्थितियाँ थीं, परिस्थितियाँ थीं जब गवर्नर थे, तो वो समझ रहे होंगे वहाँ की। तो वहाँ पर देखे क्या, मतलब उन्होंने कहा क्या नहीं कहा, तो वो ही समझते थे। मतलब तो ये जो आवाज़ उठाई थी कि देखिए, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। पुलवामा हमला हुआ, कहीं ना कहीं वो संदेह के घेरे में आया, तो किस तरह से अब चुनाव 24 का सामने है केंद्र का? देखिए, वो वहाँ की परिस्थितियाँ समझते होंगे, जब गवर्नर थे तो उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए नहीं करना चाहते हैं। वो देखिए, सुरक्षा का मामला था। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था, तो हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। अब भली भांत वो ही समझते होंगे, उन्हीं से सही जानकारी तो वो ही दे सकते हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल ये है कि जिस तरह से RLD अपना प्रत्याशी को कुछ अपने सीधे सीधे उतार रही है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी का जहाँ प्रत्याशी घोषित हो गया, तो उसको किस तरह से, कैसे, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए, हम राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का सब कुछ ठीक चल रहा है, और वैसे तो प्रयास तो यही है कि उनके भी प्रत्याशी जीतें, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी जीतें, तो मिलकर के काम कर रहे हैं। निकाय चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं, कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी और बिल्कुल इस स्थानीय निकाय के चुनाव जीतेगी, और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से टक्कर देने का काम करेगी। तो ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी एक बड़ा निकाय चुनाव को जीत के साथ, मतलब एक बड़ी जीत के साथ जीतेगी। जिस तरह से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जब चुनाव प्रचार में उतरेंगे, तो पूरी हवा ही बदल जाएगी। कैमरामैन अमोल कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, ABP गंगा, इटावा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।